हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। पता नहीं आप लोग मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा यूट्यूबर ब्लॉगर हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएटर हूँ, और थोड़ा सा राजकोट में थोड़ा रह के थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, कमा लेते हैं। इसके अलावा आपको ये लग रहा होगा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, राजकोट में रहते हुए गुजराती की हिंदी तो इतनी क्लियर नहीं हो सकती। तो बता दूं भैया, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स आई एम रेसाइटिंग इन राजकोट फॉर सम वर्क, फॉर सम बिजनेस। तो काम 25 है। इनको क्या ही पता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं बहुत इरीटेट हो रहा हूँ पिछले काफ़ी हफ्तों से। तो उस चीज़ की भड़ास निकालने के लिए वीडियो बनाई गई है। भड़ास मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं काफ़ी यूट्यूबर्स के मन की बात बोल दूंगा अभी, पक्का। काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, काफ़ी व्यूअर्स को बुरा लगेगा, लेकिन दिल की बात करना ज़रूरी है। दिल को दर्द नहीं पहुँचना चाहिए। मज़ा आ गया, मज़ा आया। पिछले काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और जिस तरह मेरे अभी पसीने निकल रहे हैं, उसी तरह मेरे ब्लॉग बनाने में, एडिटिंग करने में पसीने निकले हैं। ठीक है भैया, पीछे ऑडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, थोड़ा एडजस्ट करें, गरीब यूट्यूबर सीन्स। तो यूट्यूब पे सक्सेस होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने पिछले कुछ महीनों में जाना, और मुझे कंसिस्टेंट रह के थोड़ी सी ग्रोथ भी मिली। तो वो ग्रोथ और अच्छी हो सकती थी अगर कुछ लोग या मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे करीबी लोग थोड़ा सा उसमें साथ निभाते। यूजुअली हम YouTube पे वीडियो डालते हैं, हम रेफर्स टू ऑल द कॉन्टेंट क्रिएटर्स ऑन YouTube या ऑल द यूट्यूबर्स, और फिर हम सोचते हैं कि अब हमारे सब्सक्राइबर्स आएंगे, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगी, वो वीडियो देखेंगे, पूरी देखे आधी देखे ये आपके ऊपर है। ठीक है, उसमें मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको अच्छी लगती है पूरी देखे, बुरी लगती है स्किप कर करके देखे, और बहुत ज़्यादा बुरी लगती है तो देखे ही ना, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दे, वो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि 10 सेकंड देख के फिर बाहर आ जाते हैं, एनालिटिक्स की माँ बहन हो जाती है। एनालिटिक्स की माँ बहन हुई, उसमें आपका तो कोई लॉस नहीं हुआ, हमारा हुआ थोड़ा सा, खैर वो मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बस इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, वो मैं आपसे हाथ जोड़ के, हाथ हाथ पैर भी जोड़ लेता हूँ, रुक जाओ। Stop it. Get some help. पैर भी जोड़ लिए और रोलू थोड़ा सा, एक्सप्रेशन दू इमोशनल, सब कुछ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो उस वीडियो में आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, आपको गाली देनी हो, आपको माँ बहन करनी हो, आपको जो बोलना हो ना, YouTube के कमेंट सेक्शन में दो भैया, ताकि थोड़ा सा फ़ायदा हमको भी मिले। ठीक है, आप WhatsApp पे आके बोलते हो आशीष भाई स्लो मोशन बहुत अच्छा था, आशीष भाई आज आवाज़ में मज़ा नहीं आया, अरे बोरिंग ब्लॉग था इसमें मज़ा नहीं आया, तो WhatsApp पे मत बोलो यार। मैं अगली बार ना, देखो मैं दिल्ली से हूँ और जितनी गालियाँ मुझे आती है उतनी शायद ही किसी को आती होगी। ठीक है, तो अगली बार अगर WhatsApp पे कमेंट किया, YouTube की वीडियो देखी और WhatsApp आके मेरे को फीडबैक दिया, तो ब्लॉक हो जाओगे। Insta पे DM किया, वहाँ भी ब्लॉक हो जाओगे। बेटर YouTube पे कमेंट करो, थोड़ा सा फ़ायदा हमें भी होगा, हमारी वीडियो भी बूस्ट होगी, एल्गोरिदम के हिसाब से हम थोड़ा सा पुश तो होंगे YouTube की तरफ से। बस यही कहना था, और अब आप सुरक्षित रहे, कोविड तो धीरे 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 जाएगा, पता नहीं जाएगा या वापस आ जाएगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लेकिन ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस आ रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए, तो हाइजीन को मेंटेन करें, साफ सुथरे मास्क पहने, और इस वीडियो में भी जो बोलना हो तो इधर ही बोल के जाना, व्हाट्सएप पे मत बोलना। थैंक यू सो मच। इधर आओ, मैंने तो मना किया कि मैं मांगूंगा नहीं सब्सक्राइबर की भी, दर्शी बोल दो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पैसा वसूल। ऊपर क्या माई भी पावन क्या है, तड़को तो जो के वो है कोरोना वाचा दी कहने के, तो पापा है
વાત કરું તારા પપ્પાથી કેમ કે એમ કોરોના વધશે માન માન તો ગયું હે ઉલ્લું બનાવે હા વિડીયો બનાના શરૂ હોય નહીં ઓર આવે ચાચાજી दो गाली दूं मैं सुनना चाहते हो गाली नहीं क्या है बेंच